कैसे हैं आप लोग। वन नाइट महेंद्र वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप एंड सॉ अ डार्क क्लाउडी फॉर्म। ही ब्रोक आउट इनटू अ कोल्ड स्वेट। वाज इट अ घोस्ट। एक दिन महेंद्र अपने नींद से उठता है और उसने ना मतलब एक क्लाउडी स्ट्रक्चर देखा, मतलब भूत भूत जैसा कुछ उसे दिखाई दिया। ना तो पूरी तरह से कोई इंसान था, ना क्लाउडी मतलब बादल जैसा कुछ। ही ब्रोक आउट इनटू अ कोल्ड स्वेट। अचानक से उसे पसीना आ गया। भाई साहब, वाज इट अ घोस्ट, क्या ये भूत था? अब हम ये सारी चीज़ पढ़ने वाले हैं इस स्टोरी के अंदर। ये एक ट्रेलर देख लिया, अब हम देखेंगे मूवी। तो चलिए, अब मूवी में आगे बढ़ने से पहले ही बता दूं मैं, ये जो स्टोरी है ये ईश्वरन की है, जो कि स्टोरी टेलर में मतलब कहानियां सुनाता है। अब देखो कैसे कहानी सुनाता है। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाई अ यंग मैन महेंद्र बाय नेम। अब देखो ये जो कहानी है ईश्वरन की, इसे कौन सुना रहा है? इसे सुना रहा है महेंद्र सुना रहा है। और किसको सुना रहा है? गणेश को। देखो ध्यान रखना, दोबारा से इस वाली बात को ध्यान से सुनो। एक कहानी यानी कि किसी तीसरे पर्सन की बात चल रही है, एक आदमी दूसरे आदमी को उसकी बात बता रहा है, यानी जो महेंद्र है वो बात बता रहा है किसकी? ईश्वरन की। और किसको बता रहा है? गणेश की। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन। अब जो महेंद्र था, जो कि कहानी सुना रहा है, वो एक्चुअली सुपरवाइजर था। फर्म का मतलब होता है एक कंपनी में, और उस कंपनी का काम क्या होता था, वो जहाँ पे कहीं पे जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह होती थी उस पे जो सुपरवाइजर भेजती थी वो किराए पे, जैसे कहीं किसी फैक्ट्रीज में, ब्रिजेस में, डैम्स में एंड सो ऑन। सुपरवाइजर कौन होते हैं? सुपरवाइजर होते हैं जहाँ जब कोई काम चल रहा होता था उसे सुपरवाइज करने के लिए कोई इंसान रखा जाता है, वो काम नहीं करता। जैसे कहते हैं हिंदी में ठेकेदार भी कहते हैं, तो उसका काम ये नहीं होता कि खुद काम करे, उसका काम होता है दूसरों से काम करवाना और ये देखना कि जो मजदूर वगैरह हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और फिर रिपोर्ट करना। अब महेंद्र जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट। जो महेंद्र की जो जॉब थी उसका जो काम था, कीप एन आई का मतलब होता है नजर रखना, वो नजर रखता था किस पे कि क्या काम चल रहा है, नहीं चल रहा। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर्ड बाई हिज हेड ऑफिस। और जैसे कि आदेश आते थे उसके ऑफिस से कि भाई अब तुम्हें वहाँ जाना है, अब तुम्हें उस वाली साइट पर जाना है, तो उसे वो क्या करता था, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता रहता था। फ्रॉम अ कोल माइन एरिया टू अ रेलवे ब्रिज, कभी कोल माइनिंग एरिया पर जहाँ पर कोयला वगैरह निकाला जाता है कोयले की खदान में, एरिया टू किस कभी हो सकता है किसी रेलवे ब्रिज पर कंस्ट्रक्शन चल रहा हो कभी वहाँ पर। From there, after a few months, to a chemical plant, हो सकता है फिर उसके बाद किसी chemical plant में उसकी duty लग जाए, which was coming up somewhere, जो कहीं पर setup हो रहा हो। तो इसका मतलब वो बेचारा एक जगह से लेके दूसरी जगह तक घूमता रहता था, जहाँ से भी order आ जाते थे, जैसा भी उसकी company से, उसके head office से। He was a bachelor, his needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd condition, whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry. वो क्या था बेचारा, बैचलर था मतलब कुंवारा था, तो कुंवारे आदमी की तो बेचारे की ज़रूरतें कितनी होती है, ना के बराबर है ना, तुम्हें तो पता ही होगा। खैर, हिज नीड्स वर सिंपल, उसकी जो ज़रूरतें थी वो सिंपल थी, एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ, वो कहीं पर भी बेचारा अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। कहने का मतलब यहाँ पे जो लाइन्स है वो हमें ये बता रही है कि भाई अब जो इधर से उधर मूव करता रहता था तो वो घर में तो नहीं रहता था, कभी बेचारों को अच्छी कंडीशन मिलती थी, कभी रहने के लिए कभी नहीं भी मिलती थी, कभी पंखा है, कभी लाइट है, कभी कुछ है, तो वो जैसी भी कंडीशन मिलती थी, कभी बेचारे को टेंट वाले घर में रहना पड़ रहा है, कैनवस वाले घर में, कभी छोटे मोटे कैच, जो भी कुछ मिल जाता था उसमें वो आराम से रह लेता था, इन द मिडल ऑफ स्टोन क्वारी। बट वन असेट ही हैड वॉज हिज कुक ईश्वरन। लेकिन असेट का वैसे तो मतलब होता है धन या संपत्ति, लेकिन यहाँ पे है कि उसकी एक जो असेट था उसके लिए एक सबसे बढ़िया बात थी, वो उसके साथ एक आदमी चलता था, उसका जो कुक था खाना बनाने वाला, उस जिसका नाम था ईश्वरन। द कुक वाइज क्वाइट अटैच टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेर एवर ही वॉज पोस्टेड। जो कुक था वो भी बढ़िया आदमी था, वो महेंद्र की जहाँ जहाँ पोस्टिंग होती थी, जहाँ जहाँ महेंद्र की कंपनी उसे भेजती थी, वो भी बेचारा शिकायत नहीं करता था और वहीं वहीं जाता था उसके साथ। मतलब कहने का मतलब ये है जहाँ वो जाता था वो भी उसके साथ जाता था और वहीं उसके लिए खाना वगैरह बनाता था। ही कुक्ड फॉर महेंद्र, वॉश्ड हिज क्लोथ्स एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट। वो खाना बनाने के साथ साथ महेंद्र के कपड़े भी धोता था, उससे रात में बातें भी करता था। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरियड सब्जेक्ट्स।
और ईश्वरन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, ईश्वरन द स्टोरी टेलर जो कि चैप्टर का नाम है, उसकी जो एक खास बात थी भाई साहब, वो लंबी लंबी कहानियां सुना सकता था कहीं से भी जो, और अलग अलग सब्जेक्ट पर, कोई भी कुछ होते ना ऐसे लोग बातू नहीं भाई साहब, कोई भी सब्जेक्ट शुरू कर दो और उन्हें बात बनानी बनानी, ठीक है। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रीडियंट्स सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर इन द मिडिल ऑफ ए डेसोलेट लैंडस्केप विद नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड। और ईश्वरन की एक और क्वालिटी थी, क्योंकि देखो महेंद्र की जॉब कैसी थी, महेंद्र की जॉब थी एक जगह से दूसरी जगह, कभी कभी केमिकल प्लांट में भेज दिया, कभी किसी स्टोन क्वारी में भेज दिया, कहीं कोई रेलवे ब्रिज बनना है वहाँ भेज दिया, तो ज़रूरी नहीं था कि वहाँ पे खाना फूड अवेलेबल हो, अच्छी वेजिटेबल्स, लेकिन पता नहीं कहाँ से भाई साहब वो खाना वाना बना लेता था, कहाँ से वो चीज़ों को ले आता था, मतलब उसकी एक क्वालिटी थी कि वो चीज़ों को अरेंज कर लेता था और कहीं से भी वो मतलब खाना बढ़िया बना देता था। ही वुड मिराकुसली कंजर अप द मोस्ट डिलीशियस डिशेस मेड अप विद फ्रेश वेजिटेबल्स विद इन एन आवर ऑफ अराइविंग एट द जिंक शीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस। अब जो महेंद्र है जो कि कहानी सुना रहा है किसको, गणेश को, वो कह रहा है कि उसकी क्वालिटी की थी कि हम कहीं पे भी नई जगह पहुंचते थे जहां पे रहने की सुविधा अच्छी नहीं होती थी, दूर दूर तक दुकान नहीं होती थी, लेकिन भाई साहब लौंडे में इतनी क्वालिटी थी कि लौंडा एक घंटे के अंदर लड़का मतलब बढ़िया खाना कैसे भी प्रिपेयर मेरे लिए कर देता था। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम। अब महेंद्र का जो काम था, क्योंकि भाई उसका तो काम होता था अपनी साइट पे जाना, तो वो सुबह जल्दी उठता था, ब्रेकफास्ट करता था नहा धो के और अपना लंच वगैरह ले जाता था। मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, वॉश द क्लोथ्स एंड हैव अ लेजरली बाथ, पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल। मीनवाइल जब वो वहाँ से चला जाता था, कौन, महेंद्र, जैसे मम्मी, जैसे हम लोग सुबह पापा ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो उसके बाद मम्मी अपना घर का काम करती हैं, उसी तरह से ईश्वरन भी क्या करता था फिर, जहाँ पे भी उसे जो भी रहने के लिए जो भी छप्पड़ सा कैनवास का घर या शेड जो भी मिला था, उसे साफ़ सफाई करता था उस घर की, उसके कपड़े धोता था और फिर खूब देर तक लेजरली मतलब नहाता था, खूब सारी बाल्टियाँ डालता था अपने ऊपर पानी की, और नहाते वक्त ही क्या करता था, थोड़ी बहुत पूजा कर लेता था। आप लोगों ने देखा होगा अगर आपके घर में दादी हो या कोई लोग हों, जैसे मेरे घर में मेरी दादी क्या करती है, नहाते नहाते ही मतलब मंत्र वगैरह पढ़ती रहती हैं, ओम गंगाय नमः, ओम अश्राय नमः, ओम दक्षिणाम समर्पयामी। चलो आगे चलते हैं, और फिर उसके बाद क्या करता था, इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और तब तक उसका लंच टाइम हो जाता था। आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद, ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ। डोजिंग ऑफ का मतलब होता है सोना, और फिर वो थोड़ी देर तक पढ़ता था। क्या पढ़ता था सोने से पहले, द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस। और उसे क्या पढ़ने का शौक था, आपने देखे होंगे बड़े बड़े जो रेलवे स्टेशन वगैरह पर मिलते रहते हैं ना, बड़े बड़े उपन्यास नॉवल काइंड ऑफ, तमिल थ्रिलर पढ़ता था तमिल के, जो कि मोटी मोटी बुक्स होती थी 100-100 पेजों की। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नरेटिव फ्लरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रॉल। और मतलब वो उसमें इतना खो जाता था कि वो पूरी तरह से, जैसे हम कोई मूवी देखते हैं ना इस तरह की, जिसमें अब हमें लगता है भाई अब क्या होगा, भाई अब क्या होगा, तो वो भी उसके पूरी तरह से इमेजिनेटिव उसमें खो जाता था, कौन, ईश्वरन। हिज ओन डिस्क्रिप्शंस वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स दैट ही रेड। अब क्योंकि ईश्वरन खुद स्टोरीज जो पढ़ता था वो तमिल थ्रिलर पढ़ता था, इसलिए जब भी वो कभी कोई भी कहानी सुनाता था तो ऐसा लगता था कि उसकी खुद की कहानियाँ भी इन्फ्लुएंस्ड हैं। आपने देखा होगा जो बच्चे क्या नाम है कार्टून वगैरह ज़्यादा देखते हैं तो वो बात भी ऐसी करने लग जाते हैं, तो ऐसे ही उसके साथ था। वेन ही वॉज नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट्स ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस एंड सरप्राइज एंडिंग इन टू द अकाउंट। अब यहाँ पे महेंद्र गणेश को बता रहा है कि भाई साहब अगर उसे छोटी सी भी कोई बात बतानी है ना तो ऐसे नहीं बताएगा, सिंपली उसे घुमा फिरा के उसमें इतना सस्पेंस लगा देगा कि सामने वाला मतलब क्या सोचे कि भाई क्या हो गया क्या हो गया। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, ही वुड से इट विद आईब्रो सुटेबली आर्ज्ड एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन ए ड्रामेटिक जेस्चर। अब वो बताता है उसे कि जैसे उसे कहना है कि उसने रास्ते में एक पेड़ देखा था मतलब उखड़ा हुआ है ना, तो उस वाली बात को सिंपली ऐसे नहीं बताएगा, उस वाली बात को कैसे बताएगा, अपनी आंख आईब्रो मतलब ऊंची करके और ऐसी बताएगा, भाई साहब द रोड वॉज डिजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन, भाई साहब सुनसान रोड था और मैं भाई साहब एकदम अकेला, सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन एनॉर्मस बुशी बीस्ट लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड। और भाई साहब मैंने क्या देखा कि एक राक्षस एक पड़ा है भाई साहब, ऐसा पड़ा है दैत्य, और भाई साहब मैं तो डर गया, मेरी तो लुप लुप है गई।
आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न गो बैक। भाई साहब मेरी तो इतनी लुप लुप हो गई कि बस पूछो मत, मेरा तो मन कर रहा कि मैं पीछे लौट जाऊं, बट एज आई केम क्लोजर आई सॉ दैट इट वॉज अ वॉलेंट्री। लेकिन जैसे ही मैं आ गया, अबे मैंने देखी ये तो यार गिरा हुआ पेड़ है विद इज ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट, और इसकी जो ब्रांचेज हैं वो इधर उधर फैली हुई थी। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली। और जो महेंद्र था, जो कि उसकी कहानियों को सुनता था, उसका मालिक जो था, वो भी अपनी आम चेयर में, कैनवास चेयर में बैठ जाता था और उसकी कहानियों को बहुत ज़्यादा इंजॉय करता था। अनक्रिटिकली का मतलब है उसमें कोई मतलब दोष नहीं निकालता था, बस उसे सुनता था, उसे भी मज़ा आता था। सही है भैया, आगे चलते हैं। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर, ईश्वरन वुड बिगिन। देखो टिम्बर का मतलब होता है जब लकड़ी का बिजनेस होता है ना, लकड़ियों का बिजनेस होता है, एक जगह से लकड़ियाँ दूसरी जगह पहुंचाई जाती हैं, खरीदी बेची जाती हैं, बड़ी बड़ी लकड़ियाँ, तो उन्हें टिम्बर बोलते हैं। अब ईश्वरन एक और घटना बता रहा है जो कि जो उसने महेंद्र को बताई थी, और महेंद्र बता रहा है गणेश को। क्या बता रहा है कि सर जहाँ से मैं आता हूँ ना, जिस जगह से जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ पर टिम्बर का बिजनेस होता है लकड़ियों का। देयर इज अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, और वहाँ पर चारों तरफ क्या फैला हुआ है, एक मतलब जंगल है। द लॉग्स आर हॉल्ड इन टू लॉरीज बाई एलिफेंट्स, और जो बड़े बड़े हाथी जो हैं वो लकड़ियों को, बड़ी बड़ी लकड़ियों को, गट्ठर को खींच के कहाँ भरते हैं, गाड़ियों में भरते हैं। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, और वो बहुत बड़े बड़े जो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं वो वाले जानवर हैं। वेन दे टर्न वाइल्ड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस महोत इज नॉट एबल टू कंट्रोल दम। महोत होता है एक वो इंसान जो हाथियों को कंट्रोल करता है, देखा होगा आपने हाथी के ऊपर जो बैठता है। वो कहता है जब कभी कोई हाथी पागल हो जाता है या वाइल्ड हो जाता है, तो जो बहुत कंट्रोल करने वाले जो महोत होते हैं वो भी उन्हें कंट्रोल नहीं करते। आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्च इन टू एन एलोबरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, और बस इतना बताने के बाद, प्रोलॉग का मतलब होता है किसी कहानी का एक स्टार्टिंग पार्ट बताना, उसके बाद फिर वो अपनी स्टोरी शुरू करता था। कैसे, वन डे अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगेन टू रोम अबाउट स्टाम्पिंग ऑन बुशेस टियरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज एट विल। एक दिन क्या हुआ भाई साहब, एक बड़ा सा हाथी जिसने अपने टिम्बर यार्ड से मतलब जहाँ पे वो काम करते थे वहाँ से वो निकल गया और शहर में मतलब इधर उधर घूमने लगा, बुशेस का मतलब झाड़ियाँ वगैरह उखाड़ दी, क्रीपर्स वगैरह उखाड़ दी, हर चीज़ जो भी उसके रास्ते में आ रही थी उखाड़ता जा रहा था। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड, सर आपको पता है जब एलिफेंट एक पागल हो जाता तो कैसे बिहेव करता है। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जम्प्ड अबाउट स्टाम्पिंग हिज फीट इन एम्यूलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट। अब यहाँ पे महेंद्र गणेश को बता रहा है कि जब वो कहानी सुनाता था अपनी कहानी में इतना ज़्यादा घुस जाता था कि कहानी को बताते बताते मतलब खुद जमीन से उछलता था बार बार, मतलब एक्ट करने की कोशिश कर रहा था। होते हैं ना कुछ लोग जो बोलते हैं वो एक्टिंग सी करते हैं, तो बिल्कुल उसमें इतना घुस जाता था। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ आर टाउन, और जो भाई साहब जो एलिफेंट था ना सर, वो हमारे मतलब टाउन के मतलब बाहर वाले इलाके में पहुंच गया। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैचस्टिक्स, और जंगलों को तो ऐसे तोड़ रहा था जैसे माचिस की तीलियां तोड़ रहा हो। ही वुड कंटिन्यू, और ऐसे बढ़ता जा रहा था। इट केम इन टू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स मड पॉट्स एंड क्लोथ्स, और फिर ये कहाँ पे आ गया, मेन रोड पे आ गया, जहाँ पे जो स्टॉल्स लगी थी, जो रेडी वेड़ी वाले लगे थे जो फ्रूट्स वगैरह बेच रहे थे, इसने वो तोड़ दिया, मड पॉट्स तोड़ दिए, क्लोथ्स वगैरह वो सब खराब कर दिए। पीपल रेन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, और लोग तबाही में इधर उधर भागने लगे। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, अब क्या हुआ भाई साहब, एलिफेंट जो है वो एक स्कूल के अंदर घुस गया और प्ले ग्राउंड में जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, और उनने क्या करा एलिफेंट ने तोड़ दी एक वो ब्रिक वॉल, मीन्स ईंटों की जो वॉल थी। ऑल द बॉयज रेन इन टू द क्लासरूम एंड शट द डोर स्ट्राइक, और सारे के सारे लड़के उनकी हवा खराब हो गई और वो सारे कहाँ भाग गए, क्लास में भाग गए, और उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वॉन्डर्ड अबाउट, जो बीस्ट यानी जो एलिफेंट था वो बहुत तेज आवाज़ कर रहा था, इधर उधर घूम रहा था। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोस्ट पोस्ट, जो फुटबॉल का जो गोल पोस्ट लगा रहता है जब बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, वो उन्हें तोड़ दिया। टियरिंग अप द वॉलीबॉल नेट, जो वॉलीबॉल खेलने के लिए जो नेट लगा हुआ था जाला सा, वो तोड़ दिया। किकिंग एंड फ्लैटरिंग द ड्रम कैप फॉर वाटर, और जो पानी के लिए जो ड्रम रखा हुआ था वो भी उसने किक कर दिया, मतलब वो भी गिरा दिया। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, जो भी पेड़ पौधे लगे हुए थे वो सब उखाड़ दिए। मीन वाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ब अप टू द टेरिस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच द डिप्रेडेशन ऑफ द एलिफेंट,
और सारे के सारे जो टीचर थे वो ऊपर चढ़ गए छत पे, और वहां से बेचारे वो मतलब क्या देख रहे थे, ये जो तहस नहस मचा रहा था एलिफेंट उसे देख रहे थे। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पे कोई इंसान नहीं दिख रहा था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी इफ द एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड। मतलब इतना ज़्यादा आतंक मचा दिया था, इतना ज़्यादा उसका डर बैठ गया हाथी का, कि पूरी की पूरी गलियाँ वगैरह पूरा टाउन ऐसा लग रहा था जैसे टाउन में कोई हो ही ना, पूरा का पूरा खाली हो गया था। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, मैं उस टाइम भाई साहब छोटी क्लास में पढ़ रहा था। ये वाली बात कौन बता रहा है? ईश्वरन बता रहा है। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप। भाई साहब मैं ये पूरी ड्रामा देख रहा था छत पे से। आई डोंट नो वॉट केम ओवर मी सडनली, भाई साहब मुझे ना पता मुझे अचानक क्या हुआ। आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स एंड रेन डाउन द स्टेयर्स इन टू द ओपन। भाई साहब मैंने जो ली है एक डंडी जो ली है, एक किसके, एक टीचर के हाथ, केन का मतलब है यहाँ पर डंडी, एक लकड़ी का जो लकड़ी उठाई एक टीचर से, भाई साहब मैं पहुँच गया किसके आगे, हाथी के आगे ओपन में ही। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड मीनिंगली स्विंग द ब्रांच ऑफ ट्री विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक। और जो हाथी था मतलब गुस्से से मेरी तरफ को आगे बढ़ा, और इसने अपने मुंह में क्या ले रखी थी, अपने ट्रंक में कोई ब्रांच ले रखी थी ट्री की। इट स्टाम्प्ड इट्स फीट किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट। इसने अपना पैर जमीन पर मारा, किसने, हाथी ने, और जिससे बहुत सारी डस्ट उड़ी। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। बट आई मूव स्लोली टूवर्ड्स, पर मैं भी कहाँ मानने वाला था सर जी, मैं भी इसकी तरफ आगे बढ़ गया। मेरे हाथ में डंडी लगी हुई थी, स्टिक इन हैंड। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज फ्रॉम नियर बाई हाउस हाउस टॉप से। और जो लोग छत, लोग घरों की छतों से क्या देख रहे थे, वो देख रहे थे इस ड्रामे को, देख रहे थे हिप्नोटाइज। हिप्नोटाइज का मतलब होता है जब किसी चीज़ को तुम मतलब इतना गौर से देखो कि आसपास की चीज़ें भूल जाओ। तुमने गाना भी सुना होगा वो यो हनी सिंह का, ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी करती है मैनू, आई स्वेर छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू। अबे आगे बढ़ो भैया, कहाँ चल रहे हो यार, इंग्लिश बाबा तुम भी यार सुधरोगे नहीं, चलो आगे चलो। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड। अब भाई साहब लाल आंखों से उसने मुझे देखा गुस्से में, रेडी टू रश टूवर्ड्स मेरी मेरी तरफ दौड़ने के लिए यानी अटैक करने के लिए। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, इसने अपनी ट्रंक उठाई मतलब सूंड उठाई, एंड ट्रम्पटेड लाउडली, और बहुत तेज आवाज़ की। एट दैट मोमेंट आई मूव फॉरवर्ड, पर भाई साहब मैं भी तो बाहुबली देख के आया था नहीं भैया, है ना, एंड फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स। मैं भी भाई साहब आगे बढ़ा है क्योंकि सुंदर वसी हो सकता है मैडम देख रही हूँ ऊपर से बढ़िया वाली। वैग्ड वैग्ड इट्स थर्ड टोनोल ऑन द क्विक, और मैंने गया और इसके पैर के जो तीसरे वाले नाखून पर जबरदस्त प्रहार किया, मारा। द बीस्ट लुक्ड स्टंड फॉर अ मोमेंट, और बीस जो है स्टंड हो गया, मतलब उसे समझ नहीं आया ये क्या हुआ। देन इट्स शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, और तभी मतलब कपकपी सी छूट गई इसकी पूरी एलिफेंट की, एंड इट कलेप्स्ड, और ये पूरी तरह से गिर गया। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड एंड गेट अप मम्बलिंग। अब वो बताता है, महेंद्र बताता है कि ऐसे टाइम पे वो स्टोरी ख़त्म कर दिया करता था और फिर उठ जाता था मम्बलिंग क्या कह के, आई बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर। सर मैं अभी आता हूँ, मुझे जो डिनर है वो थोड़ा गर्म करना है, मैं गर्म करके ले आऊँ खाने को। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विद राप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग। अब भाई जहर सी बात है, कोई स्टोरी सुना रहा वो भी इतनी सस्पेंस वाली, तो हमें क्या लगता है भाई यार खाना वाना छोड़ो पहले, भाई साहब पहले स्टोरी सुनाओ। अब महेंद्र को वो बीच में छोड़ जाता था। When he returned, Ishwaran would not pick up the thread of the story right away. और जब आता था लौट के खाना बना के, तो ये नहीं है कि कहानी शुरू कर दे, सुनो शुरू ही नहीं करता था। महेंद्र would have to remind him that the conclusion was pending. महेंद्र को उसे याद दिलाना पड़ता था कि भाई कंक्लूजन अभी पेंडिंग है, मतलब कहीं ना कहीं वो ये चाहता था कि मुझे सामने वाला याद दिलाए, ठीक है। Well, a veterinary doctor was summoned to revive the animal. अब वो बताता कि सर मैंने जो भाई साहब जो मारा उसे एक, उसमें इतना वो हो गया कि वेटनरी डॉक्टर कौन होते हैं, वेटनरी डॉक्टर जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, उसे बुलाना पड़ा ताकि एनिमल को रिवाइव करने के लिए, उसे बेहोशी से कॉन्शियस करने के लिए। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली टू, वो ऐसे श्रग करता था मतलब ऐसे दिखाता था कि सर ये तो छोटी मोटी बात है अपने लिए। इसमें क्या बहुत बड़ी बात है। टू डेज लेटर इट वॉज लेड अवे बाई इट्स मोहथ टू द जंगल। फिर वो बताता है दो दिन लगे उस हाथी को मतलब ठीक वीक होने में, दो दिन बाद उसे वापस एक मोहथ जंगल में ले गया। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट। अब महेंद्र है, महेंद्र पूछता है कि यार चलो वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें यार इतना साहस कैसे आया, तुमने उसे कैसे गिरा दिया। इट हैज समथिंग टू डू विद द जापानीज आर्ट आई थिंक सर, कराटे और जू जित्सू इट इज कॉल्ड। अब वो कहता है, अब जैसे अपनी तारीफ मारते हुए, अरे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है,
ये एक जापानीज आर्ट है, इसे कराटे कहते हैं या जू जित्सु कहते हैं। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसके बारे में कहीं पे पढ़ा था। इट टेम्परेली पैरालाइज द नर्वस सिस्टम, यू सी ये वाली। इसमें क्या होता है कि हम सामने वाले की को नर्वस सिस्टम को क्या कर देते हैं, पैरालाइज कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। नॉट अ डे पास विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर हॉरर एंड सस्पेंस। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन ईश्वरन कोई ऐसी कहानी एडवेंचर वाली, हॉरर वाली या सस्पेंस वाली ना सुनाए। वॉट एवर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, महेंद्र इंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इनिमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड। मतलब ये मैटर नहीं करता था महेंद्र के लिए कि कभी कभी के बना रहा है अपनी तरफ से, उस पर विश्वास करने वाली स्टोरी है नहीं भी, लेकिन फिर भी महेंद्र उसे इंजॉय करता था उसकी स्टोरियों को, क्योंकि वो इस तरह से सुनाता था कि उसमें इतना सस्पेंस होता था कि मज़ा आता था। ईश्वरन सीम टू मोर देन मेक अप फॉर द एबसेंस ऑफ अ टीवी इन महेंद्र लिविंग क्वार्टर्स। अब क्या है, क्योंकि आप लोगों को मैंने बता दिया ऑलरेडी, महेंद्र क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता था, उसके पास इतनी सुख सुविधा तो थी नहीं, टीवी वगैरह थी नहीं, लेकिन उसकी जो टीवी की जो कमी है वो उसे कौन कौन पूरी कर देता था, ईश्वरन, क्योंकि वो ही ऐसी कहानी सुनता था, सुनाता रहता था कि उसे टीवी की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती रहती थी। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन आस्क्ड कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर। एक दिन जब महेंद्र सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहा था, तब ईश्वरन ने कहा, सर आज डिनर में कुछ बढ़िया खाना बना दूं क्या सर, आफ्टर ऑल डे, आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डिलीशियस टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे सर। तो वो कहता है, सर आज जो ना बड़ा शुभ दिन है, क्योंकि हमारे ट्रेडिशन के अनुसार आज के दिन जो खाना खिलाया जाता है, हमारे जो एंसेस्टर यानी जो पूर्वज हैं उनकी आत्माओं को खाना खिलाया जाता है। दैट नाइट महेंद्र एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज क्यूलिनरी स्किल्स। उस दिन महेंद्र ने, वैसे तो वो रोज ही खाना बनाता था, लेकिन उस दिन महेंद्र ने उसकी बहुत तारीफ करी। उसने कहा, यार तुम यार बहुत बढ़िया खाना बनाते हो, मतलब तुम्हारे कुकिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं। He seemed very pleased but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. अब थोड़ी देर, मतलब वो जाहिर सी बात है जब उसकी तारीफ हुई तो उसे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अचानक से उसने एक ऐसी कहानी सुनाना शुरू कर दी। supernatural का मतलब होता है भूतों से related. You know sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground. Sir, यहाँ जिस factory के आसपास आप काम कर रहे हो ना, ये एक टाइम पे कब्रिस्तान होता था जहाँ पे मुर्दों को दबाया जाता था। ही स्टार्टेड, महेंद्र वॉज जर्क आउट ऑफ द प्लीजेंट रेवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर हिज सेटिस्फाइंग मील। अब यार जैस अभी तक तो महेंद्र क्या है, इतना खुश था क्योंकि उसने बहुत बढ़िया खाना खाया आज, लेकिन अचानक से उसके होश उड़ जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं उसे बेकार लगता है यार, इतना अच्छा खाने के बाद इतना बढ़िया मूड था वो इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया इसने ये भूतों की बात बता के। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई सॉ अ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ, इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, ईश्वरन कंटिन्यूड। अब ईश्वरन कहता है, भाई साहब सर मुझे तो पहले दिन से ही पता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत सारे स्कल, स्कल का मतलब होता है खोपड़ी, बहुत सारी खोपड़ी वगैरह पड़ी देखी है, मतलब वो कंकाल, और मुझे तो अब अक्सर मिलते रहते हैं ये कंकाल। किसने कहा, ईश्वरन ने कहा, किसको कह रहा है, महेंद्र को। ठीक है, यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये बीच में आपको खोपड़ी भी दिखाई दे रही होगी। ठीक है, ही वेंट टू नरेट How he sometimes saw ghost at night, और वो बताने लगा किस तरह से वो रात, किसी कुछ रातों को भूत वगैरह देखता है। आई एम नॉट ईजली फ्राइटेंड बाई दीज थिंग्स सर, अब जो ईश्वरन कहता है, सर मुझे डर नहीं लगता इन सब बातों से, आई एम अ ब्रेव फेलो, मैं तो एक बहादुर इंसान हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ वुमन विच अपियर्स ऑफ एंड ऑन एट मिड नाइट ड्यूरिंग द फुल मून, वो कह रहा सर मुझे तो घोस्ट वगैरह यहाँ दिखाई देते रहते हैं भूत, पर मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन सर यहाँ पे एक भूतली रहती है, एक चुड़ैल, घोस्ट ऑफ ए वुमन विच अपियर्स ऑफ एंड ऑन, कभी दिखती रहती है आधी रात में, फुल मून यानी पूर्णिमा की रात को। इट इज़ एन अगली क्रिएचर, बड़ी अजीब सी दिखने वाली, विद मैटेड हेयर, उलझे उलझे से उसके बाल, एंड ए श्रिवल्ड फेस, मतलब रिंकल सी है उसके फेस पर, चुड़ैल लाइक अ स्केलेटन, बिल्कुल स्केलेटन की तरह, होल्डिंग फीटस इन इट्स आर्म्स, और अपने हाथ में ऐसा लगता है जैसे इसने, फीटस का मतलब होता है अनबॉर्न बेबी, बच्चा पकड़ा हुआ है। महेंद्र शिवर्ड एट हिज द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रेदर शार्पली, महेंद्र की मतलब एकदम मतलब लुप लुप होने लगी, डरने लगा, और उसने मतलब इंटरप्ट कर दिया उसे, किसको, ईश्वरन को, यू आर क्रेजी, अब पागल हो क्या, देर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट ऑफ, बेटा ऐसी कोई चीज नहीं होती। अब देखो वो डर रहा है, कौन, महेंद्र, तो वो से कह रहा है ऐसी कोई चीज नहीं होती घोस्ट,
भूत भूत भूतले भूतले कुछ नहीं होते, आत्मा वगैरह कुछ नहीं होती, इट इज ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। अबे यार तुम अपनी इमेजिनेशन से मत बनाओ, गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड एंड मे बी योर हेड एज वेल, अपना जो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना इसे सही करा लो और अपना दिमाग डॉक्टर को दिखाओ कहीं जाके। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस यार, क्या गधों जैसी बातें कर रहे हो, पागलों जैसी। हाँ अब यहाँ पे क्या कर रहा है महेंद्र, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसे बड़ा डर लगता था, है ना, उसे डर लग रहा है। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट एक्सपेक्टिंग ईश्वर टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज। देखो यहाँ पे एक वर्ड आया एस यू एल के, सल्क का मतलब होता है जब कोई आपसे गुस्सा हो जाए तो कुछ दिन आपसे बात नहीं करता। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जरा जरा सी बात में रूठ जाते हैं। चलो भैया मैं क्या बताऊँ अपना एक्सपीरियंस, है ना। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट। अब जो महेंद्र था वो बस गुस्से में मतलब चला गया, सोने चला गया और वो सोच रहा था कि अब जो ईश्वरन है थोड़े दिनों तक, दो एक दो दिनों तक बात नहीं करेगा ठीक से या गुस्सा सा रहेगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक वॉज एज च्यूरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। लेकिन अगली सुबह जब उठा तो उसने क्या देखा, जो उसका जो कुक था जो ईश्वरन, उसे अभी पिछली रात को उसने डांटा था लेकिन वो अगली सुबह भी बिल्कुल टॉकेटिव चीयरफुल, मतलब उस पर लग रहा कोई असर ही नहीं है। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड, फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनईज। अब उस दिन के बाद से महेंद्र जब भी बेड पर जाता था सोने तो कहीं ना कहीं उसे थोड़े लुप लुप होती थी, डर लगता था। एवरी नाइट ही पीयर्ड इनटू द डार्कनेस outside through the window next to his bed trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity. अब हर रात को क्या करता था वो, अपनी खिड़की के बाहर चुपचाप झांक के देखता था, यार वो जो बता रहा था ईश्वरन ऐसा कुछ है तो नहीं, कोई भूतला भूतला तो नहीं घूम रहा आज पास। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे। लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता था, उसे केवल अंधेरा अंधेरा दिखाई देता था और जिस साइड्स पर वो काम करने गया था वहां पर कुछ चमकती हुई लाइट्स दिखाई देती थी। He had always liked to admire the milk white landscape on the full moon nights. महेंद्र को हमेशा से पता पसंद था कि फुल मून नाइट में, यानी जो पूर्णिमा की रात होती है उसमें उसे बाहर देखना रात को बड़ा पसंद था लैंडस्केप। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वर इन स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर वेन द मून वॉज फुल। लेकिन जिस दिन पूर्णिमा की रात होती थी अब उसने बाहर देखना बंद कर दिया था क्योंकि उसने जब से वो वाली कहानी सुनी थी कि एक चुड़ैल आती है उसके हाथ में एक बच्चा लगा रहता है तो उसकी मतलब डर लगता था उसे। वन नाइट महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाई अ लो मून क्लोज टू हिज विंडो। अब एक रात जब महेंद्र सो रहा था अचानक से वो रात को उठा बाई अ लो मून। लो मून का मतलब होता है क्राइंग, रोने वाली आवाज से वो उठ गया और जो कि आ रही थी उसकी विंडो के पास से। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्रॉवलिंग अराउंड फॉर अ माइस। पहले तो उसे लगा यार ये किसी बिल्ली की आवाज है जो कि चूहे पकड़ने की कोशिश कर रही है। बट द साउंड वॉज टू गुटुरल फॉर द कैट। लेकिन जो साउंड थी वो बिल्कुल अजीब थी, वो कैट जैसी थी ही नहीं। ही रेजिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड बी होल्ड अ साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट। अब वो बाहर देखने से मतलब डर रहा था कहीं बाहर देखा और कहीं उसका हार्ट फेलियर ना हो जाए, कहीं वो मर ना जाए डर के मारे। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन। लेकिन वो जो आवाज आ रही थी बाहर से रोने की चुड़ैल के, वो और ज्यादा तेज होती जा रही थी। ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर। अब जो टेम्पटेशन है मतलब वो जो बाहर देखने की इच्छा हो रही है, अब उसे ज्यादा देर तक दबा नहीं पाया। लोवरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल ही लुक्ड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मूनलाइन आउटसाइड। अब उसने धीरे से अपने आप को मतलब धीरे से विंडो के सहारे धीरे धीरे अपना सिर केवल आंखें ऊपर करते हुए छुपते हुए बाहर देखा। दे आर नॉट टू फार अवे वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल। और थोड़ी ही दूर पे उसे एक बादल जैसा कुछ दिखा और क्लचिंग अ बंडल, यहाँ पे समझो जैसा कि ईश्वरन ने बताया था ना पूर्णिमा की रात को क्या होता है। उसने बंडल का मतलब है वो उसने बताया था, उसके हाथ में एक बच्चा लगा रहता था, उसने भी मतलब कोई ऐसी शेप देखी। महेंद्र ब्रोक इन टू अ कोल्ड स्वेट, भाई साहब पसीने पसीने आ गए उसे। एंड फेल बैक इन टू द पिल्लो, और वापस से मतलब पिल्लो पे चला गया, मतलब सोने चला गया पॉन्टिंग हाँफते हुए। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द घासली एक्सपीरियंस ही बिगेन टू रीजन विद हिमसेल्फ। और जैसे जैसे बेचारे ने थोड़ा सा रिकवर किया उसने अपने आप को रीजन करना शुरू किया, मतलब अपने आप से बात करना। एंड फाइनली कंक्लूडेड दैट इट वॉज
इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम। अब वो अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा है, यार कुछ नहीं देखा मैंने, कुछ नहीं था बाहर, ये एक ऑटो सजेशन था। अब ये ऑटो सजेशन क्या होता है, तो वो अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ईश्वर ने उसके मन में कहीं ना कहीं एक इमेज डाल दी है उस भूत की, और तो इसी वजह से वो उसे दिखाई दे रहा है, वो सबकॉन्शियस है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। By the time he had got up in the morning, had a bath and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. अब जब सुबह उठा वो और नहा धो के अपना तैयार होके बढ़िया सुबह जब खाना वाना उसके लिए वो उठा, तो जो रात की जो डरावना सपना था या डरावनी जो चीज़ थी वो कम से कम मतलब थोड़ा से फेड हो गई थी वो मेमोरी, मतलब भूल चुका था। ईश्वर greeted him at the door with his lunch packed at his bag. तभी ईश्वर मिलता है उसे स्माइल करते हुए और उसके हाथ उसे उसका पैकेट देता है लंच का और कहता है, जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट ईश्वरन ग्रिंड एंड स्विड। जैसे ही महेंद्र बाहर निकल रहा था ईश्वरन मुस्कुराया और कहा, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल गोस विद द फीटस इन इट्स आर्म, यू वर सो हंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स। सर आपको याद है जब मैंने आपको एक बार एक फीमेल घोस्ट के बारे में बताया था, भूतली के बारे में, भूतले के बारे में, चुड़ैल के बारे में, जो अपने हाथ में एक फीटस एक बच्चा पकड़ी रहती है, उस दिन तो आप मुझसे बड़ा गुस्सा कर रहे थे, याद है ना। वेल यू सॉ हर योरसेल्फ लास्ट नाइट, सर रात को तो आपने उसे खुद ही देख लिया। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, मैं आया था रात को आपके रूम में क्योंकि मुझे आपके रूम से आवाज आ रही थी उसके रोने की। अ चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन, और भाई साहब सनसनी छूट गई किसके, महेंद्र की स्पाइन में, मतलब पूरी कपकपी सी। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कम्प्लीट हिज सेंटेंस, यहाँ तक कि उसने वेट भी नहीं किया कि ईश्वरन अपना सेंटेंस कंप्लीट करे। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में गया, हैंडेड इन हिज पेपर्स, मतलब अपने पेपर्स वगैरह दिए, रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे। हॉन्टेड का मतलब होता है भूतिया, जहाँ भूत रहते हैं, उसने वो वाले प्लेस का छोड़ने का डिसीजन ले लिया अगले ही दिन, और इस तरह से वो वहाँ से चला गया। तो भैया यहाँ पे हो गई है ईश्वरन द स्टोरी टेलर की स्टोरी खत्म। आई होप कि मैं जो मेरी जो कोशिश ये रहती है, देखो बीच बीच में मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं जो बीच बीच में थोड़ा सा एक ह्यूमरस वे क्रिएट करता हूँ, बीच में कोई जोक सुनाता हूँ या ये तो ये मैं थोड़ा इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों को ना बोरियत फील ना हो। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैं आगे भी अपनी जो वीडियोस बनाऊँ उसमें आप ये चाहते हो कि मैं एक हंसी वाला फैक्टर, ह्यूमरस जोक वगैरह डालूँ या ना डालूँ। तो मुझे जैसे भी ज़्यादा कमेंट्स आएंगे मैं फिर उसी तरह से काम करूँगा। अगर आप इस चीज़ को पसंद कर रहे हो तो मैं डालूँगा अगली बार, अगर नहीं पसंद कर रहे हो तो नहीं डालूँगा, सिंपल बनाऊँगा, प्लेन बनाऊँगा। तो कैसे हैं आप लोग।